PHE Deptt! आज ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं इसके पीछे एक लंबी कहानी है, लंबी स्ट्रगल है। 70 साल के बाद भी ये लोग पानी को तरस रहे हैं। ये एक विडंबना रही है बहू फोर्ट की और जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी पानी को ये तरस रहे हैं लोग, ये लोग। और गंदा पानी पीने को मिल रहा है, वो भी हफ्ते के बाद मिल रहा है। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। जहाँ तक अप्रोच का सवाल है, एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों का होने के नाते, कारपोरेट होने के नाते, मुझे इनको साफ पानी और रोज पानी दिलवाना मेरा जिम्मेवारी बनती है। जिन्हें रोज मुझे फोन आते हैं कि गंदा पानी आ रहा है, वो भी चौथे दिन आ रहा है। इसके लिए मैंने, जहाँ तक मेरी अप्रोच का सवाल है, जहाँ के क्लास फोर से लेकर मैंने चीफ इंजीनियर तक, एडवाइजर तक और गवर्नर तक इसके लिए अप्रोच की है। आज ये लोग बेबस होके जहाँ पर कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहाँ तक पानी की बर्बादी का सवाल है, आप मेरे साथ चलें, 24 आवर लीकेज चल रही है पानी। इतना पानी बर्बाद हो रहा है बंदा, और लीकेज बंद करने के लिए भी ये नहीं आते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। और पानी गंदा पीने को मिल रहा है, पाइपें सड़ी हुई हैं, 50 साल से भी पहले पाइपें पड़ी हुई हैं, गंदी हो सड़ गई हैं पाइपें, और उन्हीं में जो गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी पीने को, जैसे कि आप जानते हैं कि WHO के मुताबिक 80% बीमारियाँ गंदगी और गंदे पानी से लगती हैं। आज वही गंदा पानी, डिमांड हमारी ये है कि जब तक वो पाइपें रिप्लेस करें, पानी हमें रोज मिले, जब तक रोज साफ पानी ना मिले, हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। हमें किसी हद तक जाना पड़ेगा, हम पीछे नहीं इस बात के लिए हटेंगे। ये बुनियादी हमारा हक है, ये फंडामेंटल राइट है, और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है जो कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट जो कर रहा है, तो इसके लिए हम पूरी स्ट्रगल करेंगे। देखो कि गंदगी अंदर का है, गल बादल इन्हें कहाँ से पा रहे हैं।